ना तो नाली बनी है, ना कोई कूड़ा काटना आता, और वो पानी का पाइप पट्टा पड़ा है ना, उसने कोई ठीक करना आता, कूड़े के ढेर लग रहे ना, उन्हें ठग ले जाते। नहीं मतलब कोई सफाई वाला है, और गली है ये टूटी पड़ी है, यहाँ कोई मतलब 5 साल हो गए कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिब। एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले हम आए हैं जनता से उनकी समस्याएं जानने। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा किराड़ी में, वार्ड नंबर 37। यहां पर हम जानेंगे कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और पिछले 5 सालों में एमसीडी ने क्या कुछ कार्य किए हैं और क्या कुछ कार्य नहीं किए। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं। हमारे में ना तो नाली बनी है, ना कोई कूड़ा काटना आता, और वो पानी का पाइप पट्टा पड़ा है ना, उसने कोई ठीक करना आता, कूड़े के ढेर लग रहे ना, उन्हें ठग ले जाते। हर गली में कूड़े के ढेर है। हाँ, हर गली में है। ये लाइन दाब गए ना, इस रोड न पक्का करते जी। और ये सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते? नहीं आते, सफाई का कर्मचारी भी नहीं आते। पिछले 5 सालों में क्या क्या काम हुए हैं आपके वार्ड में? कोई काम नहीं हुआ, पहले से तो बहुत गंद फैल रहा है। और ये जो आपके पार्षद रहे हैं, ये आते हैं कभी देखने के लिए कि क्या काम हुए? नहीं आता यहाँ देखने के लिए, कोई भी नहीं आता। गली में समस्या ये है कि तो हमारी गली में गेट नहीं है जी, और दूसरा कोई काम धंधे धंधा करने वाला भी नहीं आता यहाँ पे। सफाई कर्मचारी नहीं आता? आता है, मगर वो बहुत कुछ कम काम करता है जी। और हमारी गली में गेट लग जाना चाहिए जी। और ये इतने सालों में गेट नहीं लगा यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई तो गेट वेट नहीं। गेट ना लगने से क्या क्या है आप लोगों को होता, क्या क्या दिक्कतें आती है? बाइक चोरी हो गई यहाँ से जी, और ये हम गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, इसके लिए अगर गेट लग जाए तो जी बड़ा बढ़िया। क्या समस्या है? बस यही समस्या है कि हमारी गली में गेट लग जाए। हमारे वार्ड में भैया ये समस्या है, नहीं तो कोई झाड़ू वाला आ रहा, नहीं मतलब कोई सफाई वाला आ रहा, और गली है ये टूटी पड़ी है, यहाँ कोई मतलब 5 साल हो गए कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें। नहीं, एमसीडी द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया 5 सालों में? यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है कुछ भी। सफाई कर्मचारी आते हैं? कोई नहीं आ रहा यहाँ। और कचड़े वाली गाड़ी? कोई भी नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल ही बंद है यहाँ पे। और ये जो नालियों में पानी है, इससे क्या होता है, मतलब बारिश के टाइम पे भर जाता है यहाँ? पूरा यहाँ हमारी गली भर जाती है, ये हमने अपनी खुद गली ऊंची करवानी पड़ी है भैया, इसलिए पैड़ी लगवा रखी है हमने तो अपने दरवाजों पे। कि ना ही तो नालियाँ बनती है, ना सड़क बनती है, पानी बहला जाता रहता है, ऐसी सड़कों पे फैलता है जी। और गाड़ियाँ पलट जाती हैं, गिर जाती हैं, चोट लग जाती है जी। सारा सब कुछ ऐसा ही है, सिर्फ बोर्ड के टाइम पे कहते हैं बोर्ड दे दो, बाकी ऐसा ही है, कुछ नहीं है। ना कोई बच्चे लिखे पड़े हैं, ऐसे घूम रहे हैं भूखे प्यासे जी, जी, जी। फिर वो बेचारे चोरियाँ करते हैं, कोई नशेबाजी में घुस जाता है, कोई कुछ करता है, ना नौकरियाँ निकल रही है किसी को। पीछे मैं दिखाऊँ ना आपको मेरी गली में, चलो पीछे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरा ढेर है, कितना बीमारी हो जाती है हमारे घर में। चलो मैं दिखाऊँ पीछे रोड के ऊपर, मेरे पीछे वाले दरवाजे में इतना ढेर लगा हुआ है, 50 बारी आदमी बुला लिए, कोई नहीं आता जल्दी से। और कचरे वाली गाड़ी आती है यहाँ पे कचरा डालने के लिए? क्योंकि मैंने देखा है आपके आसपास काफी कचरा है। गाड़ी में जो मतलब घर में जो होता है वो आ जाते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी सी देर, कोई भाग के डालिया हो तो डालिया हो, नहीं तो वो भी भाग जाती है। पानी भरा रहता है ना, तो यहाँ कोई कुछ खड़ा कर सकता है, और ना ही कोई गाड़ी वगैरह कुछ आ सकती है, और जैसे स्कूटर बाइक वगैरह भी आते हैं, इसके कारण मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मच्छरों से हमारा घर भी भर जाता पूरा, और ना कोई आता, डेंगू मलेरिया और ये सब बीमारियाँ भी बहुत फैल रही है हमारे। सफाई कर्मचारी आते हैं साफ करने के लिए? नहीं आते सर, नहीं आते। और जो आपके पार्षद रहे हैं वो आते हैं कभी देखने के लिए? कोई नहीं आता यहाँ पे जी, कोई भी नहीं आता यहाँ पे, सब बस वोट के टाइम पे तो आते हैं, जब उनको वोट लेनी होती है तब तो वो आते हैं, उसके बाद यहाँ देखने भी नहीं आता क्या क्या हो रहा है, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, और ना हाँ नहीं कोई देखने आ रहा है, वोट के टाइम पे तो आते हैं सब, उसके बाद कोई नहीं आता जी। ये जो नालियों में पानी भर रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, ये नाले रुके हुए हैं, ये जो नालियाँ ये सब रुकी हुई हैं। 5 साल हो गए, ना कोई झाड़ू वाला है, ना कोई नाली साफ करने वाला, ना इस गंद ने उठान वाला है। अगर नालियाँ हम निकाल भी दे उसने कोई उठानियाँ नहीं है नहीं। और ये सीवर भरे पड़े हैं यहाँ पे, देखो ये ओद हैं, हम खुद ठाठा के गे रहे हैं, और इनका पानी लीक होने लग रहा है, देखो ये रहा है सारी ये समस्या। वजह से मच्छर भी आते होंगे? मच्छर इतने हैं, पूरे दिन रात कोई आराम से लौट नहीं सकता,
पूरा दिन रात ऑल आउट चलना हमारे घर में जी, जी, जी। और तक के 5 साल हो गया माँ तो कति परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये घर में देखो पैड़ी लगी हुई है, पूरे गंदे पानी हमारे घर के अंदर घुसा है, अब ये पैड़ी लगाई है।